अगर आप अपने जीवन में बार बार किसी भी कार्य में फेल हो रहे हो, सक्सेस नहीं मिल रहा हो, तो निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। फेल होना ही सक्सेस होने की पहली सीढ़ी है। आज हम आपको इस वीडियो में कुछ ज्योतिषी उपाय बताएंगे जिससे आप अपने फेलियर को सक्सेस में बदल सकते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी पिछले 40 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता आ रहा हूं। अक्सर देखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अपने किसी भी कार्य के क्षेत्र में बार बार जब फेल हो जाता है तो उसे निराशा घेर लेती है, उसका उमंग और उत्साह पूरी तरह से खत्म हो जाता है। लेकिन अगर उसे ये पता चल जाए कि उसका फेल होना ही उसके सक्सेस की गारंटी है, तो अपने भाग्य को भी बदल सकता है। याद रखिए आप कि संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कभी फेल ना हुआ हो, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने फेलियर को सक्सेस में बदल देते हैं। और फेलियर को सक्सेस में बदलने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है वो आदमी का अपना आत्मविश्वास और अपना आत्मबल। संसार में हजारों व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन की चुनौतियों को पार करके अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है, और ऐसे व्यक्ति की जन्म कुंडली को देख करके ये जरूर बताया जा सकता है कि कौन से ग्रह और उसकी दशाएं उस व्यक्ति की सफलता में सहायता कर रही हैं। तो मैं आपको बताऊं कि फेलियर के पीछे और सक्सेस के पीछे कौन से ग्रह कार्य करते हैं और उनका क्या उपाय करना चाहिए जीवन में सक्सेस के लिए, मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आते हैं मंगल। मंगल ग्रह पराक्रम का कारक है, आपके व्यक्तित्व का भी कारक है, आपके हिम्मत और साहस का कारक है। तो मंगल ग्रह जब जन्म कुंडली में विपरीत स्थिति में आ जाए, किसी अपने शत्रु के घर में बैठ जाए, शत्रु क्षेत्रीय हो जाए, या पाप ग्रह के साथ बैठ जाए, क्रूर ग्रह के साथ बैठ जाए, एक तो मंगल खुद क्रूर ग्रह है, अगर वो दूसरे क्रूर ग्रह के साथ बैठ जाता है तो उसका साथ देने लगता है, ये दोनों साथ ही हो जाते हैं, तो आपकी जिंदगी में हमेशा नकारात्मकता आती है। जब जिंदगी में नकारात्मकता आए मंगल ग्रह के कारण, तो उसे अपने अनुकूल बनाने के लिए मंगल ग्रह का उपाय करना चाहिए। तो मंगल ग्रह किस घर में बैठा हुआ है, किस ग्रह के साथ बैठा हुआ है, पाप ग्रह के साथ बैठा हुआ है, मंगल नीच का है कि मंगल कहाँ बैठा हुआ है, तो उसका क्या उपाय करना चाहिए। यंत्र धारण करना चाहिए, मंत्र पढ़ना चाहिए, रत्न धारण करना चाहिए कि रुद्राक्ष धारण करना चाहिए कि मंगल का दान करना चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में उसके कई एक उपाय हैं, लेकिन जनरल बात मैं आपसे करता हूं कि मंगल के मंत्र का निरंतर जप करने से मंगल प्रसन्न होकर के आपके अनुकूल हो जाता है, और आपकी जो नेगेटिव परिस्थितियां चल रही हैं, नकारात्मक परिस्थितियां चल रही हैं, आपके जो विचार आपको फेलियर बना रहे हैं, किसी भी काम को करने के पहले अगर आपकी हिम्मत ही टूट जाती है कि हम इस कार्य में सफल होंगे कि नहीं, ऐसी परिस्थितियों में मंगल को अपने अनुकूल बना करके अपनी हिम्मत को बढ़ाना चाहिए और मंगल ग्रह की पूजा करके उसका रत्न धारण करना चाहिए। मंगल का रत्न होता है मूंगा, जिसे कोरल कहते हैं इंग्लिश में, वह अपना जितना वजन है उसका 1.5 गुना पहनना चाहिए। अगर 70 किलो वजन है तो 10.5 कैरेट का पहनना चाहिए, तांबे में या सोने में, अनामिका उंगली में, रिंग फिंगर में पहनना चाहिए मंगलवार के दिन। और अंगूठी बनवाएं तो मंगल का नक्षत्र हो उसी नक्षत्र में अंगूठी बने, लेकिन मंगल का नक्षत्र शनिवार को ना हो, शुक्रवार को ना हो, उसके कारक ग्रहों के साथ हो, उसके कारक दिन में हो। ऐसी परिस्थितियों में अगर मंगल का रत्न धारण किया जाता है तो मंगल अपने अनुकूल हो जाता है और वह आपका साथ देने लगता है। दूसरा सबसे बड़ा जो कारण है फेलियर का, वह ग्रह है सूर्य। सूर्य भी फेलियर बनाता है। सूर्य नीच का हो जाए, सूर्य कमजोर हो जाए, सूर्य पाप ग्रह के साथ हो जाए, तो आदमी की जिंदगी में निराशा पैदा करता है। कोई काम आपको मिल रहा है, उसके पहले, मिलने के पहले ही भाव ऐसा पैदा होता है नकारात्मक कि ये काम मैं लेकर के कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, इससे पहले उसको ना बोल देता है आदमी। सूर्य खराब होने वाला व्यक्ति पूरे दिन चिड़चिड़ापन से भरा हुआ रहता है। ऐसे समय में सूर्य का उपाय करना चाहिए। जन्म कुंडली के अनुसार सूर्य किस घर में बैठा है, किस ग्रह के साथ बैठा है, जल तत्व की राशि में बैठा है कि अग्नि तत्व की राशि में बैठा है कि पृथ्वी तत्व की राशि में बैठा है कि वायु तत्व की राशि में बैठा है, उस तरह से उसका उपाय करना चाहिए।
सूर्य ग्रह को अपने अनुकूल बनाने के लिए सूर्य का रत्न माणिक्य धारण करना चाहिए और माणिक्य दशमांश पहनना चाहिए। 80 किलो वजन है तो 8 कैरेट का पहनना चाहिए, 50 किलो वजन है तो 5 कैरेट का पहनना चाहिए, और पहनना चाहिए सोने में या तांबे में या पंच धातु में, रिंग फिंगर में पहनना चाहिए, अनामिका उंगली में। सूर्य के नक्षत्र में बनवाना चाहिए, रविवार के दिन धारण करना चाहिए और विधिवत प्राण प्रतिष्ठा उसकी करवा करके किसी ब्राह्मण के द्वारा या स्वयं पंचोपचार पूजन करके अपनी मनोकामना को कहते हुए पूर्व की तरफ मुंह करके पहनना चाहिए। चौघड़िया देख करके या सुबह सूर्योदय से एक घंटे के अंदर सूर्य के होरा में धारण करना चाहिए, जिससे सूर्य आपके अनुकूल होकर के काम करेगा और आपकी निराशा दूर होगी, आप कॉन्फिडेंस से भर जाएंगे, आपका इच्छा शक्ति, आपका विल पावर इतना मजबूत होगा कि किसी काम को आप ना नहीं कहेंगे, आपके फेलियर होने की संभावना ही खत्म हो जाएगी। तो इन दोनों ग्रहों को अपने अनुकूल करके, मंगल और सूर्य को अपने अनुकूल करके, अपने फेलियर को आप सक्सेस में बदल सकते हैं। यदि इन दोनों ग्रहों के कारण आप फेलियर होते हैं तो इसके अलावा अगर किसी ग्रह के कारण आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह कमजोर है, पाप ग्रह है, नीच का बैठा हुआ, उसके कारण अगर फेल होने की संभावना बनती है, फेलियर होते हैं, तो अपनी जन्म कुंडली का परामर्श जरूर कराएं फेलियर को सक्सेस में बदलने के लिए। अपनी जन्म कुंडली का परामर्श कराने के लिए या मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए आप वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा आपके मन की भावनाओं के अनुसार अगर कोई समस्या हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके भेजें ताकि मैं उस पर वीडियो बना करके आप तक पहुंचा सकूं और आपकी समस्या दूर कर सकूं। धन्यवाद, नमस्कार।